Hello friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is ICSE Standard 10 Chapter 1 Forces, Turning Force and Uniform Circular Force. So first, translation and rotational motion. Translation means linear. So linear or translation motion, मतलब कि हम लोग translation motion को linear motion भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर अगर कोई फ्री रिजिड बॉडी है, अब सवाल होगा कि व्हाट इज रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी मींस वो बॉडी कि जिसके दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसका कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है. मतलब कि सपोज कि मेरा जो बॉड है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट उसको एज्यूम करता हूँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पर एज्यूम करता हूँ, तो ये जो बॉड है उसके ये जो दो पॉइंट है उसके जो डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा. दैट बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी. क्लियर? तो यहाँ पर पहले तो रिजिड बॉडी को पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. तो रिजिड बॉडी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, displacement never, particles points displacement never changes, that is called rigid body. अब ये जो rigid body है, rigid body में अगर वो body एक particular, suppose कि मेरे पास, अब इसको हटा देते हैं, suppose कि मेरे पास एक rigid body है. एक्चुअल प्रैक्टिकल हम लोग जब प्रैक्टिकल वे में उसको समझने जाएंगे तो प्रैक्टिकली देर इज नो रिजिड बॉडी इन दिस यूनिवर्स, बिकॉज अगर कोई भी बॉडी है वो डिफॉर्मेबल है. अगर हम लोग कोई स्टोन की बात कर रहे हैं, वो उसका भी डिफॉर्मेशन हो सकता है. क्लियर? तो रिजिड बॉडी मतलब देर इज नेवर डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दैट बॉडी. तो ये जो हम लोग रिजिड बॉडी समझ रहे हैं उसको सिर्फ एजम्पशन, उसको थोड़ा एज्यूम करके हमें समझना है. तो सपोज आई हैव वन रिजिड बॉडी. इफ दिस रिजिड बॉडी एक्सिस इज लाइक दिस, क्लियर? वन एक्सिस उसको बता दिया पर्टिकुलर इन दी मिडवे. अब वो जो बॉडी है अगर उसका लाइन ऑफ फोर्स दैट इज पर्टिकुलर इन वन डायरेक्शन, अगर उसका लाइन ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और वो बॉडी पर्टिकुलर वही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन. तो पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन में ही वो वर्क कर सकता है. क्लियर? सो अगर अप्लाइड फोर्स हमने राइट हैंड डायरेक्शन में किया, उसी डायरेक्शन में अगर उसका मोशन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन. इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज कि हमने एक वो टायर ले लिया, अगर हम लोग उस टायर को मूव करते करते आगे ले जा रहे हैं तो उसका जो सेंटर है वो एक लीनियर वे में आगे जा रहा है. क्लियर? तो सपोज कि इसको टायर एज्यूम कर लेंगे तो वो लीनियर वे में आगे जाने वाला है, तो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो देट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन. Now second one is, what is that? It is rotational motion. तो rotational motion में हमें क्या करना है कि कोई भी object का अगर एक point हम लोग pivot कर देते हैं, मतलब कि fix कर देते हैं, वहाँ से वो कभी move नहीं करने वाला, और जब motion होगी वो जो motion होगी वो rotational motion होगी, तो that is called rotational motion. फॉर एग्जाम्पल हम डोर की बात करेंगे तो अगर डोर के बारे में सोचें तो यहाँ से वो फिक्स्ड रहता है और हम लोग वो जो चेंज करने वाले हैं वो यहाँ पर चेंजेस करने वाले हैं. क्लियर? सो यहाँ पर ये डोर यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, मतलब कि ओपन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ तो ये रोटेट हुआ. क्यों रोटेट हुआ? क्योंकि यहाँ से हमने उसको पिवोट कर दिया है, फिक्स कर दिया है.
तो डोर का जो यहाँ से कॉर्नर है वो ऑलवेज रोटेशन मोड में होगा, सो दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। क्लियर? सो दीज आर दी टू मोशंस आर देयर। क्लियर? सो इन दिस रोटेशनल मोशन दी रिजिड बॉडी विल रोटेट दी बॉडी अबाउट दी पिवोट। ये यहाँ पिवोट के, यहाँ पर हम लोग ये एक्सिस की बात कर लेते हैं, ये एक्सिस से वो मूव कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। सो थैंक यू फॉर टुडे।